आज हम लोग खेलने वाले हैं अगेन फैंटेसी। अब क्या मिल रहा है भाई मेरे को कसम से। सो गाइस लास्ट एपिसोड में जैसे तुम लोगों को याद होगा हम लोगों ने खेला था प्रोलॉग विच वॉज प्रिटी ग्रेट लाइक सीरियसली प्रिटी ग्रेट। बट मेरे को बस लगने लगा कि हाँ आप छोड़ते हैं ठीक है ना, हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। और तब से मैंने एक्चुअली में खेला नहीं है समझ रहे हो। और एक तो इतना छोटा छोटा आता है, मैग्नीफाइंग ग्लास भी नहीं लगेगा भाई टेलीस्कोप चीज के लिए मेरे को। रुक जाओ जरा, मेरे पास है फोन के कैमरा से देख के पढ़ता हूँ मैं। क्या दिन आ गया बताओ तो। रुको जरा, ये एक तरीका है भाई, इतना छोटा लिखते हैं लोग कसम से। वाह वाह वाह, बस सेल्फी खींच रही है। लेट्स क्लियर आ जा बस। सीजनल इवेंट्स, पता नहीं ऐसा लग रहा है वो स्काइरिम की किताब पढ़ रहा हूं मैं अभी। भाई सीरियसली भाई क्या ही हो रहा है कसम से। रुक जाओ पहले पढ़ लूं, नहीं तो तुम्हें साली वेस्ट हो जाना है पूरा। सो मैं स्टिल कुछ तो ठीक से पढ़ नहीं पाया बट जो भी इट वॉज पर्टिकुलरली रिलेटेड अबाउट कोई इवेंट्स वगैरह आई थिंक सो यस, है ना कि मतलब उनके बारे में है ना। और ये कभी कभी होते हैं इनकी कोई वीकली क्वेस्ट वगैरह होती है दुनिया भर का वही सब है ना। फिलहाल मेरे पास यही कुछ गवार वेपन्स हैं एंड मैं फिलहाल कुछ जो भी मेरे को अजीब सा सामान मिला मैं उनको इक्विप मतलब इक्विप कर रहा हूँ जगह बनाने के लिए सम वॉट लाइक दैट है ना। वेल जहाँ तक की बात आती पहले मैं इन चीज़ों को फेंक रहा था बट मेरे को पता नहीं था कि इनका रियल रूस किधर है समझ रहे हो है ना। बट अब पता चल गया है तो आई विल बी यूजिंग देम ठीक है। वेल सबसे पहले हम लोग कॉस्ट्यूम वगैरह जो भी है मेरे पास, पता नहीं किस चीज़ की वेपन है भाई ये वाला कॉस्ट्यूम वगैरह ना। भाई मुझे पता है न्यू ईयर चला जा चुका है बट ये लोग अभी से कुछ सेलिब्रेट करने बैठ गए भाई। पता नहीं जो भी आई थिंक कुछ इवेंट का है तो अभी हम लोग चक्कर देखते हैं क्या चल रहा है। ये कौन है भाई, कुछ ज़्यादा अलग नहीं लग रही फोटो से, कुछ ज़्यादा ही अलग। और मुझे फिलहाल कुछ सही में नहीं दिख रहा है इतनी दूर से समझ रहे हो भाई। मैं कितनी घुस जाऊँ क्या अंदर। तो भाई अभी आई थिंक हमारे को कुछ मतलब कुछ लाइक एनिमी जिनके पास कुछ ऐसे मार्क सिंबल्स हैं उनसे लाइक पास आ भाई, थोड़ा ऐसे मत कर यार। क्या कैसे मारूंगा तेरे को अगर तू पास नहीं आएगा बताओ तो यार। और वेल ओवरली बहुत ज़्यादा कह सकते हो मस्त गेम है लाइक कह सकते हो, तुम्हारे को समझ आ ही गया होगा है ना, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारे पास एक डुअल क्लास का ऑप्शन है यानी कि तुम एक साथ दो क्लासेस को इक्विप कर सकते हो है ना। लाइक टेक्निकली वही एक मेन रीज़न है जो कि आई थिंक इस गेम को एक बहुत ज़्यादा आगे ले जा सकता है, क्योंकि मेरे को लगता है बहुत ही कम गेम ऐसे हैं जो कि लाइक इस सिस्टम को फॉलो करते हैं समझ रहे हो है ना। मतलब बहुत ही कम गेम मैंने देखे हैं, मैंने तो बहुत ही कम देखे हैं। मतलब आई डोंट थिंक मतलब है बहुत सारे गेम्स के अंदर वाला फीचर बट उतना अच्छे से इम्प्लीमेंटेड है समझ रहे हो, जितना अच्छे से ही है। फिर भी हाँ जो भी है मतलब ठीक है लाइक है ना, अच्छा गेम है मेरे को तो पसंद आया है ना। जो भी है मेरे को ऐसा लगा रिव्यू देने बैठो इधर, तू पास आ बेटा तू पास आ तू पास आ जवाब तू पास आ, तेरी बात कैसी हुई भाई छूने की, घर जा वापस, खेलना नहीं आता। ओ सॉरी खेल मैं रहा हूँ, अब भूल जाता हूँ यार बार बार रिमाइंड करना मुश्किल हो जाता है। एक तो पता है ये ना इनका एरिया बड़ा अजीब सा है, फिर भी लाइक ना लेवलिंग अप सिस्टम भी बहुत ज़्यादा स्काइरिम जैसा है मतलब ना मुश्किल टाइप। भाई तू जा तेरी कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है। तूरा एक ऐसी चीज़ है जो कि ना बस धरती का बोझ बना हुआ है अभी फिलहाल। तो भाई जब मैं एक बड़े बंदर को वो कर रहा हूँ, मतलब तुम लोगों ने लास्ट एपिसोड में जिन बंदरों को देखा था ना जो कि मतलब कहाँ से अंतरिक्ष से उड़ के आ गए थे। और एक तो बताओ ये इनके पास आखिर ये देख कैसे रहा, ओ हेलो कुंभकर्ण वापिस घर चला जा, बड़ा बहुत गंदा मार तो पता लोग पहुँचा दूंगा मैं। ओ ओके ओके ये इसको भी आना मारना, लेकिन घर से होमवर्क करके आया है देखो बेचारा। मैंने लास्ट टाइम बोला था मारना नहीं आता और फिर वो साइक्लॉप्स का बेटा मतलब सही में मादरा ही लग रहा था। मादरा के मादरा भी एक ही हाथ से देखता है, वो भी एक हाथ से क्या 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 बस उखाड़ लिया भाई उखड़ गया सब, वो भी बेइज्जती करा दी। भाई कुछ बचा और देखना, हाँ वैसे यही बचा है। तो भाई ये तो चलो मैं पंतियाँ करता रहूँगा, वो बंदा तो मरा नहीं, पता नहीं क्यों नहीं मरा। मैं इतनी देर से अटैक कर रहा हूँ उस गवार को भाई, मैं कैसे बता रहा हूँ वो बंदा इतना बड़ा नूब था छू ही नहीं पा रहा। मतलब मेरे को उसका अटैक पैटर्न समझ आ गया, और अगर मैं वो किसी बॉस का अटैक पैटर्न समझ आ जाता तो तुम समझ जाओ वो बंदा मेरे को छू नहीं पाएगा।
बोल लिया उस बंदे के, और मेरे को फिर एक बहुत ही मस्त अटैक भी समझ आ गया मतलब इस वेपन के साथ। ये देख रहे हो, ये तो मेरे आसपास एक वो वेव देख रहे हो, ये कंटिन्यूसली वेपन वेपन डैमेज देता रहेगा, विच इज़ पर्टिकुलरली रियली गुड अगर मैं किसी के लाइक वो नहीं होते मेन पॉइंट्स को छू रहा हूँ, है ना। क्या सोच रहे हो भाई, मतलब किसी मतलब वो लाइक हाँ वनरेबल एरिया पे, है ना। तो अभी फिलहाल हम लोग क्वेस्ट से कंटिन्यू करते, नहीं तो फिर उसके बाद वो मेरे को मारेगी कि है भाई एक लड़की ने तेरे को क्वेस्ट दी तो तू तो उसके पीछे पड़ गया भाई पूरा, अब कहाँ क्या करना है तुझे, पीएचडी लेनी है, है ना। फिलहाल हमारे पास दो ऑलरेडी हैं, और फिलहाल मैंने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बॉसेस से बायस करी है, और फिर ऑब्वियसली मैं ऑब्वियसली एक बहुत ज़्यादा हाईली प्रोफेशनल आर्क सोल्जर बन चुका हूँ। और एक ये भी है भाई, मतलब एक था वो स्काईरिम का, उधर उड़ के जाते, इधर पता नहीं क्या हो रहा है, बस टेलीपोर्ट हो रहा हूँ मैं, और उसमें भी इतना टाइम लग रहा है, है ना। फिलहाल क्रॉफोर्ड एक यहाँ का मतलब सेंटर सिटी का याद आए, जो कि ये है, है ना, ये मेरे लीडर है, मेरी टीम का लीडर डोजर, जो कि फिलहाल डोज नहीं है। हाँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मुझे कसम बताओ इसका कपड़ा ऐसे नहीं लग रहा है कोई प्लाडिन या फिर कोई डेस्टिनी से आया उठकर, या फिर वो नहीं होता क्या था वो शिनचैन की मूवी से उल्टे कप जो होते हैं, है ना, वो नहीं होता वो गत्ते के कप जो होते हैं वो शादियों में बेचते हैं जिसके अंदर शादी बोल रहा हूँ, शादी में तो कांच के होते हैं कोट वगैरह, या फिर कहीं पे लाइक किसी ऐसी जगह जाओ तो पेपर के कप नहीं होते, मुझे कसम से ऐसा लग रहा है पीछे से पहन लिया और उसके बीच में छेद करके पहन लिया, ये तो फिर भी चलो अलादीन वाला लग रहा है। We are developing to combat dark falls. So guys, मेरे को ये बात पता चली कि वो जो गवार था जिसने मेरी आधी मेरी नहीं इनकी आधी से ज्यादा आधी मिले, जहाँ पे इनके फादर मर गए थे, पिताजी मर गए थे, उधर वो जो बंदा उस गवार का नाम है डार्क फॉल्स, जो कि एक रीजन है जिसकी वजह से एक समय पर एक सिटी ने एक एरा पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, और अब वो वापिस आ रहा है each individual मेरी लेने, सॉरी इस जगह के लेने, पता नहीं कौन सा प्लेनेट है क्योंकि मैं भूल चुका हूँ, मेरे को याद नहीं रहता, बहुत ही कम मेमोरी रही है मेरी, है ना, इसी वजह से मैंने कभी एसएसटी को पसंद नहीं किया। So if we can gather photons from the air, compress them, photon light होती है गवारों, we may be able to pierce dark falls. कौन सी एनर्जी photon होती है भाई? In short, we'd be able to shoot compressed photons directly at its core. And this large caliber single mounted photon particle cannon. तुम्हारे को लगता है वर्क कर जाएगा, है ना? Central cannon. है कहाँ ये वैसे? उसके उसके रिएक्शन देख रहे हो? भाई जी आप 16 साल की हैं, वो अपने अलग नशे में हैं, मैं ही हूँ ये। Dark falls will attack again soon. But हाँ अच्छा लग रहा हूँ भाई। Even तो six packs नहीं और skinny बंदा है। However, four arms अच्छे बंदे के। Materials to do so. मतलब मेरे से गंदे हैं। To finish it, we require materials. That cannot be found in the Aelio region. We must have the cooperation of Ark's defenders from other regions. I was hoping that you three would act as our intermediaries. So basically, you are asking for more independent organization. I thought Ark's is that. I will not allow you to go alone. Other Ark's defenders from Central City will accompany you. First, I would like you to छोटा बच्चा दिख रहा हूँ यार, तुम मेरे को ऐसे हाथ पकड़ के लेके जा रहे हो। Once everything's in place, after उस ड्रैगन को मैंने उड़ा दिया, जिंदा काट दिया, तुम्हारे को क्या चाहिए? मैं क्या चाहिए और? That's an order I can follow. Wow. तू कुछ भी नहीं कर सकती है। तुझसे करवाया जाते हैं, बीच में तो ये भी भूल जाती है ये है कौन? एक तो हर बार इसको ना अपने पिताजी याद आ जाते, वो कैसे मरे थे। ये क्या हो रहा है? अरे वो तो उड़ने वाली मशीन थी, ये कौन सांप सुपिया उड़ के आ रहा है भाई? और मुझे एक्शन में ये सारे ओ भाई साहब, ये क्या है यॉर्मन गैंडर, तू ये कब बन गया? तू भी गेम खत्म हो गया है? और अच्छा धीरे धीरे मेमोरी नहीं धीरे धीरे बताएंगे ना ये लोग, गेम तोड़ना खत्म हुआ होगा अभी, ये गेम यहीं पे है बस यार, ऐसा तो मत बोलो एटलीस्ट। अरे भाई तू चुप रहे यार, बताओ जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ वैसे ही कोई मरूस आ जाता है। सो गाइस एक्चुअली में हमारे पास कुछ लाइक हाई लेवल एरियाज अनलॉक हो चुके हैं, यानी कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे कुछ ज्यादा हाई लेवल के एनिमीज हैं, बट वो लोग हमारे को बेटर रिवॉर्ड देते हैं एक्चुअली में, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है, एंड मेरे लिए नहीं है वो अच्छी बात, क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है जो कि एटलीस्ट इस गेम को खेलते हो, है ना। मतलब हैं बहुत सारे अंग्रेज लोग, बट वो लोग इस गेम को नहीं खेलते, वो लोग बाकी सब दुनिया भर के सारे गेम्स को खेलते हैं। हाँ चैप्टर वन डोजर, अच्छा डोजर, डोजर भैया की भी स्टोरी है इधर, ये तो सही है। चैप्टर वन मैनोन्स रोल,
ओके ये कौन है भैया? ट्रांसफर। अच्छा ये तो वही जगह थी यहाँ पे मैं मरा था, कुछ ऐसी होगा पता नहीं यार, हाथ में क्या हो गया मेरे, कुछ ज्यादा ही उठा लिया मैंने वेट। कितना किलो उठा लिया भाई मैंने, मेरे को ये भी नहीं याद, बस मैंने उठा लिया। तो हम लोग जल्दी चलते हैं है ना। फिलहाल मैं कुछ चीजें देख रहा हूँ जो कि मैं कर सकता हूँ फिलहाल को, क्योंकि मैं टाइम है थोड़ा सा फिलहाल तो है ना, बाकी हम देखेंगे। कुछ ऐसे ना भाई अवेलो को ढूंढना पड़ेगा जो कि इस गेम को खेलते हो एटलीस्ट, नहीं तो फिर मेरी जिंदगी बर्बाद है भाई। फिर तो भाई मेरी जिंदगी बर्बाद है अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भाई कुछ अच्छे वेपन वगैरह के साथ साथ ना कुछ अच्छी चीजें भी चाहिए हमारे को, और वो मेरे पास है नहीं अभी फिलहाल। एंड एक्चुअली बहुत मस्त है क्योंकि तुम्हें इससे ना लाइक बहुत सारी एबिलिटीज, मतलब तुम्हें समझ जाओ इसके अंदर इतनी सारी एबिलिटी, मतलब इतनी सारी वो है, और तुम इसमें से कोई भी लाइक सिलेक्ट कर सकते हो है ना कभी भी वो भी, जो कि एक अच्छी बात है। ओहो सारे लोग है भाई साहब इधर। एक तो मेरे को बताओ मतलब मेरे पास कपड़े चेंज करने का ऑप्शन है, तुम्हारे पास क्यों नहीं है? इतने गंदे कपड़े कहाँ से उठा के लाओ भाई? कौन है तुम्हारा वो क्या होता है वो फैशन डिजाइनर? भाई या तो उसको जोकर बनाना था इन लोगों को, या फिर उसका प्लान ही ये था कि देखो मैंने अपना काम कर दिया। ये नहीं होता कि भाई अमेज़न ने अपने वो नहीं था वो वाली मीम जो बनी थी, अमेज़न ने पहले पैसे दिए अपने वो जो था ना क्या, जिसने उसका साइन बनाया था उसने बस नीचे का लोगो का साइन डाल दिया स्माइल का, बस बन गया। बोला कि भाई देखिए कपड़े हैं नॉर्मल, कुछ अलग बना, आज कुछ अलग करते हैं, ये लो कुछ अलग, कुछ डब्बे बने हुए हैं, कुछ ऐसा लग रहा है मॉडलिंग करने निकल रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है रोबोट से निकल गया है सीधा स्टार वॉर्स से, एक मैं हूँ अलादीन से सीधा निकल के आ गया, और ये कपड़े पता नहीं क्या है भाई। So you want us to go and help them defeat all the dolls there? Precisely. You will serve as our advance team. कितने उससे बोले डाउट है इसको कितना मेरे ऊपर है, वेल मेरे को जितना लग रहा है इसको मेरे ऊपर नहीं, वो जो बीच वाले नीले नीले बाल वाली है ना बहन जी उस पे ज्यादा डाउट है। Roger that. हां इस पर तो उस पे तो कर लेंगे उसका, देखो तेरी वैसे इतने बंदे छोड़ेंगे क्योंकि तू बीच बीच में लैग कर जाती है, कभी भी रुक जाती है मारने से है वो। अच्छा मारना मुझे, चलो स्टार्ट करती हूँ। और एक तो इसके पास सिर्फ एक ही वेपन है वो भी स्नाइपर है, ओके okay. इससे कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है भाई, चलें अब या यही पे रहना पूरा टाइम। इट्स एन अनफॉरगिविंग लैंडस्केप, नॉट ओनली इज इट कवर्ड इन सैंड बट इट ज्योग्राफी नहीं पढ़ी क्या कभी किसी ने भाई? डेजर्ट लाइक, दूर दूर पेड़ होंगे, सैंड होगी, बारिश कभी नहीं होती होगी, और क्या डेजर्ट से एक्सपेक्ट करते हो भाई तुम कि कोई नया गवार आएगा उधर? ये इनके डेजर्ट अलग होते हैं। फिलहाल मैं तो क्वेस्ट कंप्लीट करने निकल रहा हूँ थोड़ी है ना, ये इवेंट क्वेस्ट भी जरूरी है ना, नहीं तो फिर वो मारेगी मुझे। इस गवार को अपना अलग ही फोबिया भाई, बार बार पत्थर उड़ा लेता है, बताओ तो कुछ आता नहीं है क्या भाई? ये माँ बाप ने बस सिखाया ही ये उठाना है भाई, इन लोगों को ना भाई उधर भेज दो वो स्टेशनों पे, बहुत काम आने वाले हैं लोग। क्या कोई और ना है, ये लोग तो सबसे ज्यादा काम आएंगे स्टेशनों पे। जाओ ना इधर क्या उठा उठा के कर रहे हो, मतलब कहाँ से भी पत्थर उठा के ले आते हैं? अब बीच सिटी में तुम जा रहे हो इसे कहीं से पत्थर उठा लिया बताओ तो अच्छा लगेगा क्या? कसम से भाई, हाँ मुझे पता है मैं बहुत गवार पत्तियां कर रहा हूँ अभी फिलहाल तो। देख मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट भाई तू ये बता मैं क्या ही करूँ भाई तेरे साथ। पता ही वो लग रहा है ऑप्टिमस प्राइम नहीं था, वो नहीं आता गाड़ी बन जा मेरे लिए अभी, मेरे को कसम से बोलने वाला था अभी गाड़ी बन के मेरे को सैर करा। मतलब कसम से भाई। I appreciate you being so proactive. धन्यवाद, बस मेरे को लेवल बढ़ाना अपना। वैसे रोबोट है ना, मैं कुछ पूछने वाला था डाउट जो कि ह्यूमंस की कर सकते हैं बस। ओके इसके पास है तो कंटेनर है। ओवर कॉन्फिडेंस तू भाई, ऐसा लग रहा था वन शॉट कर देगा उस गवार को। वो क्या है भाई, नई प्रजात का शत्रु मोर खांस क्या है भाई वो? हेलो मुझे लग तो नहीं रहा भाई वो कुछ वो लेवल सेवन क्या है भाई ये क्या पकड़ दिया भाई ये थोड़ा वो माल है भाई, सेकंड हैंड माल क्या भाई? चिल्लाना बंद कर यार तू, मरूस वापिस घर जा, मैं बीच में अटका हूँ उसको, मेरे को मार नहीं सकता। ओके मार सकता है बट टेक्निकली नहीं मार सकता, तू घर जा रे कैसे नहीं होगा भाई, तू घर जा बस भाई करवा ली बेचती।
ओ वो मिल गया भाई, मैं इसी को ढूंढ रहा हूँ इतनी देर से, इतनी सीरियस फाइट चल रही है और ये पतिया चल रहा हूँ मैं, समझ रहे हो? ये तो पता नहीं अपने अलग ही नशे में चल रहा है भाई। ओ भाई साहब धारणा आता है इसको, ये क्या है, ये क्या है भाई? अरे यार मारना आता है इसको ना पीछे, इसके लिए ना यही सही है, तू ना घर जा भाई बस। अब फिलहाल गाइस आई थिंक ये कुछ ज्यादा ही अजीब सा लग रहा है मेरे को, बट मैं जो भी कांड कर रहा हूँ मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी तक। मतलब मेरे को दुनिया भर की सारी चीजें मिल रही है बट मेरे को ये नहीं पता इनका यूज क्या है, ये क्या है भाई? सो गाइस अगर किसी को पता नहीं तो ये वही जगह है जहाँ पे उस नीले बाल वालों के पिताजी मरे थे, है ना, लास्ट एपिसोड में, जैसा अगर तुम्हारे को याद हो। वेल ऑब्वियसली मैं लेवल 15 एक ही बार में नहीं हुआ, मैंने कुछ क्वेस्ट कंप्लीट करी थी क्योंकि मुझे नहीं पता था मैं इस गेम को रिकॉर्ड करने वाला हूँ। मैं मोस्ट प्रोबेबली एक स्ट्रीमिंग करने वाला गेम है जिसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के 1 बजे, पता नहीं क्यों अच्छा लगता है बस मुझे, मुझे पता नहीं बच्चों के मजे लेने में क्या मजा आता है बट मेरे को ना बस अच्छा लगता है जब मेरा ये सब करता हूँ, पता नहीं क्यों अपना अलग ही मजा आता है मेरे को, लगता है कि हाँ देखो अब कोई बराबरी का मिला, जबकि हैं ये लोग सारे 1-1 लेवल के, 7-7 लेवल के, मेरा लेवल क्या 15, बट लगता है कि हाँ देखो अब कोई मिला मेरे को। मुझे कसम से बताओ ये मैम हमारे को हर जगह क्यों मिल रही है बताओ तो, स्टॉक कर रही है प्लेस को। सबसे पहले तो अपने से कौन चिल्ला चिल्ला के बात करता है और फिर उसके बाद ये इतनी सारी जगहों में कर क्या रही है एक साथ? भाई तुम एक बार वो देख रहे हो लाल लाल, नहीं नहीं वो जो सामने जा रहा है, कसम से इससे ना फाइनल फैंटेसी 14 की याद आ रही है मुझे। ट्रैवलिंग दिस कैंसल एंड कॉज यू टू अबैंडन करंट एक्सेप्टेड क्वेस्ट, डू यू विश? अब यार ये तो गलत बात है, क्या चाहते क्या हो तुम लोग? और ये क्या है, व्हाट द हेल इज दैट भाई? करंट एक्सेप्टेड क्वेस्ट, इसके अंदर वीकली वाली तो जाएगी नहीं क्योंकि वो एक्सेप्टेड होती नहीं है। हाँ तो जा ले, तो क्या जा रहा है, बस बात ही करनी है हमारे को तो। भाई खुद ही भाग रहा है ये, मैं कुछ कर ही नहीं रहा। भाई कहाँ जा रहा है? अरे भाई हेलो, नशे वशे में हो क्या? ये कौन है? लगता तो नहीं मैं, ओ अच्छा मैनन है। अब पास में ही तो थी, स्टॉक कर रही थी उस जगह को। यार मुझे लगता है कि मेरे को किसी के साथ करना चाहिए बट यार पता है ऐसा होना चाहिए यार ऑनलाइन गेम्स के अंदर, एटलीस्ट ऑनलाइन तो करने दो, ऑनलाइन ही नहीं हो रहा कहीं कुछ। अच्छा मैं खुद से भी इनको एक्सप्लोर कर सकता है, ये तो अच्छा है। किसी के पिलने के दिन आ गए भाई, सॉरी यार पिलवाने जो भी है यार, भावनाओं को समझो, ये बंदो मेरे को पता नहीं भावना कौन है। ये कौन है भाई स्नाइपर? घर भेजो उसको भाई, तू जा तू जा तू जा, मैं तेरे से बड़े लोग उड़ा दे भाई। 15 लेवल के ये, मुझे नोटिस नहीं किया हो तो, मेरे लेवल बहुत कम है फिर तो भाई। इनका बॉस तो भाई और ज्यादा बेटर लेवल का होगा, क्या चल रहा है भाई? भाई इनका बॉस तो लेवल 20 कुछ का होगा, पता चल गया भाई, पता चल गया अपनी औकात। भाई मैं तो जा रहा हूँ, मैं देख दुनिया से बहुत ज्यादा दूर हूँ। हाँ तेरे लिए भी एक बहुत ही अच्छा अटैक है। अबे यार आ ना पास, पास आओ थोड़ी, निकट आओ। नहीं सॉरी भूल जाओ, मैं कुछ कहने वाला था। ये क्या भाई क्या है ये? इसको भी पता चल रहा है कि हम लोग डॉल से फाइट कर रहे हैं, वो देख रहे हो चैट में डॉल, उसको हैंजी को अभी पता चल रहा है। ओहो हाँ सॉरी, हम यहाँ से बस भाई हो गया तेरा भाई, मेरे को लग रहा है इसका हो गया कसम से भाई। डूब है ये, कुछ आता नहीं इसको, बस ये रैंडमली फायर करती है। मैंने इसको देखा ना राइट में मारना है, लेफ्ट में मारी है ये। बताओ तो भाई अब तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे यार इससे? बंदा उधर खड़ा हुआ है, ये उधर मार रहे हो, पबजी के वो नहीं होते या किसी रैंडम गेम के ग्लिचेस कि तुम इधर मार रहे हो उधर जा रहा है भाई, क्या हो यार ये ऐसा लगता है ग्लिच कर रही है जबकि ग्लिच कर नहीं सकती। वो देखो वो और गवार यार, इनसे और ज्यादा हेट है, बड़े और जल्दी मारते हैं भाई, ये इनकी ना अच्छी बात है। या पता मुझे भी ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जिसके थ्रू ना मतलब ऐसा एक पता लगा वो कौन कब यहाँ पे एनिमी आ रहा है। मतलब वो देखो उसको पता ही नहीं, और नीले का मतलब होता है उनको भी पता ही नहीं कि वो उस पर अटैक हो चुका है, वो बंदा अपने अलग ही नशे में। ओ अच्छा मेरे को कोई मार भी रहा है, जबकि वो बंदा आधा डेड हो जाएगा तब तक। कौन सा चल रहा है भाई रात के 1 बजे बताओ तो, सुबह चलाओ यार बताओ तो। आई गेस दैट्स ऑल, मतलब मेरे को लग नहीं रहा था इतना ज़्यादा मतलब इजीली चले जाएंगे ये लोग,
बट आई थिंक हमेशा हमारे को हार्ड नहीं सोचना चाहिए. तू कौन है भाई? मेरे को लगा वो रुइन नहीं होते. वेट, कितने सालों से भाई तुम ऐसे पड़े हुए हो? अरे सेम सेम भाई भाई कपड़े भाई. कितने सालों से जंग लगी हुई है भाई? पेड़ पेड़ उग गए इसकी बॉडी पे. तो नहीं ऑब्वियसली उसका नाम वो है तो कैपिटल भी वही होगा. नहीं ये चीज हमारे को ऐसे लगानी चाहिए. फिर तो इंडिया का कैपिटल इंडिया होना चाहिए. आई वाज इंप्रेस्ड बाय योर डिस्प्ले, फॉरगिव मी. इंप्रेस्ड देयर? इन्होंने कुछ किया कुछ किया? सारा तो मैं कर रहा था. डैमेज ये लोग चार चार दे रहे थे, मैं तो 100 में फिर भी दे रहा था. ये लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते. Would you mind showing us the way there? हाँ वो कितना अच्छा होगा ना, दिखा भी देगा. वैसे हाँ यहाँ तक अटैक नहीं कर रहा है तो ठीक है, बट सामने से मेरे को कुछ लोग गेड़िया मारते हुए दिख रहे हैं. Okay. कितने वेले लोग हैं यार ये लोग. जब मन करता है तब लैंड कर जाते हैं, जब मन करता है तब भगवान के पास चले आते हैं. I'm on a recon mission. I'm certain we'll meet again. Farewell. यार रास्ता दिखा देता, pathfinding, I mean path, रास्ता दिखाने का काम कर देता यार थोड़ा. वही तो राइनो बना हुआ है, वन हॉर्न राइनो. मुझे नहीं सुनना भाई. तो अभी इस वीडियो को इतने रखते हैं. हमने इस वीडियो के अंदर पता नहीं कुछ तो कर दिया जो कि मुझे कोई आइडिया नहीं है. एंड जहाँ तक की बात आती है, मैं अभी लॉग आउट करना चाहूंगा. मेरा लेवल कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से इंक्रीज नहीं हो पाया है क्योंकि फिलहाल मन नहीं था मेरा. कुछ कुछ चीजें भी मेरे को अभी डालनी है, कुछ कुछ सामान भी मेरे को करना है, है ना. और जहाँ तक की बात आती है, आई थिंक मेरे पास ना लेके ऐसा वेपन होना चाहिए जिसके पास आइस फायर है ना, मतलब सब टाइप के वेपन होने चाहिए जो कि सब टाइप का डैमेज है. नहीं तो फिर ये जो 15 लेवल के बंदे होते हैं ना जो कि फिर आ जाते हैं मारने, जिनकी वीकनेस कुछ और होती है. जैसे इसके पास फ्रीज वॉन्ड है, इसके पास पता नहीं कुछ है ना, और एक के पास इलेक्ट्रिसिटी वॉन्ड है, समझे हो, है ना. और वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मेरे लिए. बाकी जहाँ तक की बात आती है, मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में है ना, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग पता नहीं क्या करने वाले हैं. मैं खुद लॉस्ट हूँ. और धीरे चल सकते हैं हम इससे, या इससे भी धीरे है कुछ? हाँ फिर तो रुकी जातू. सो गाइस आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक, मैं चैनल सब्सक्राइब कर देना. मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ, बट स्टिल बाय बाय.